मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बीजापुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 457 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि के लोकार्पण भूमि पूजन की सौगात बीजापुर के जिला वासियों को दिया। वहीं मुख्यमंत्री इस मौके पर 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण किए। इसके अलावा 2 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से रीपा अंतर्गत गारमेंट फैक्ट्री में शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईटपाल स्थित बीजापुर गवर्नमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में चल रहे कपड़ा निर्माण के कार्य का निरीक्षण भी किया और यहां कार्यरत महिला से बातचीत की। बघेल ने फैक्ट्री में हरी झंडी दिखाकर बाजार के लिए तैयार उत्पादों की पहली खेप को रवाना किया है। गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए देश के बड़े गारमेंट ब्रांड मिंत्रा, मैक्स, डिक्सी इत्यादि कंपनी से चर्चा की गई। सीएम भूपेश ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिन क्षेत्र के बंद स्कूल से पहले गोलियों की आवाज आती थी वहां बच्चे पोयम गा रहे हैं। अभी कुछ बच्चे से बात की, वहीं उन्होंने फर्राटेदार इंग्लिश बोला। साथ ही साथ बीजापुर का बदलाव भी देखने को मिला। पहले मीटिंग आदि होने पर आम जनता को शाम होने पर घर पहुंचाने में डर लगता था, अब वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोकार्पण, लगभग 457 करोड़ के 209 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। आप सबको इसके लिए बधाई और शुभकामना। 5 साल पहले विक्रम, ये लोग कभी बुलाते थे मुझे तो सड़क मार्ग में आने से पहले कार्यक्रम भाषण देते थे तो धीरे से कुर्ता खींचते थे, भैया जल्दी खत्म करो, वापस जाना है। आज बीजापुर बदल रहा है, बीजापुर में बदलाव आया है, बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। पहले लोगों को नक्सली बता के या तो इनकाउंटर में मार दिए जाते थे या जेल में ठूस दिए जाते थे। आज परिस्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। 7-7 कैंप खुले हैं जो इसके पहले कभी इतने कैंप खुले नहीं थे। इतनी सड़कें बनी हैं जो पहले कभी नहीं बना था। इतने मोटरसाइकिल खरीदे गए हैं जो पहले नहीं था। 1000 से अधिक ट्रैक्टर खरीदे गए थे जो इसके पहले कभी नहीं था। आज खेती किसानी में आज मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था। बहुत सारे लोकार्पण,